दिल्ली को जिस तरह से पहले घेरा था अब भी उसी तरह से घेरेंगे अगर हमारी बहन बेटियों को न्याय नहीं मिला। मोदी जी तो क्या खुदा है? मोदी जी खुदा है? हम नहीं कह रहे खुदा है, प्रधानमंत्री हैं, आज है कल नहीं हो सकता, कल कोई और होगा, लेकिन संसद रहने वाली है हमेशा। मैम मतलब क्या है डेमोक्रेसी? यही तो है, इसी को कहते हैं राजलोक, जो लोकतंत्र की हत्या करना, राजतंत्र लाना, इसी को कहते हैं। आप गिरफ्तार क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप सच से डरते हो, लेकिन सत्य को आप जितना मजबूर करोगे वो उतना मजबूत होता जाएगा। हम डरने वालों में से नहीं है। आप सच की आवाज उठाने वाले को कहते हो ये तो आतंकवादी है, ये तो नक्सली है, ये तो खालिस्तानी है, क्योंकि वो सच बोलते हैं, वो अपने अधिकारों की बात करते हैं, वो न्याय की बात करते हैं, वो संविधान से देश को चलाने की बात करते हैं, संविधान के इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं। तो आप हमें नहीं सिखाओगे अब, क्योंकि आप अनपढ़, आप पोलिस्टर्स, आप गुंडे, आप क्रिमिनल जाके पावर में बैठे हो। हम बताएंगे अब देश कैसे चलेगा। बहुत हाई टाइम आ चुका है चोरों को इस देश से भगाने का, क्योंकि यही अवाम है। और हमारे ही ग्रैंड पेरेंट्स थे, हमारे ही दादा परदादा थे जिन्होंने अंग्रेजों को भगाया था। अगर हम गोरों को भगा सकते हैं तो हम आज चोरों को भी भगा सकते हैं। मैम आपने कहा कि लोकतंत्र की हत्या है, लेकिन अगर परमिशन नहीं दी गई थी प्रशासन की तरफ से तो क्या जरूरत थी इतना उग्र प्रदर्शन करने की, बैरिकेडिंग फांदने की, जैसी खबरें थी कि पहलवानों ने बैरिकेडिंग? गोदी मीडिया, ये होता है गोदी मीडिया। कहां से आपको लग रहा है उग्र प्रदर्शन है? हमें हमारा काम मत बताइए, लेकिन जो प्रदर्शन था, पहला सवाल ये कि आखिर आज ही का दिन क्यों चुना गया? नहीं, आखिर आज ही का दिन क्यों चुना गया महापंचायत करने का? जी मुझे जवाब। आज का दिन इसलिए चुना क्योंकि न्याय इमारतें नहीं देती, न्याय दीवारें नहीं देती, न्याय पत्थर नहीं देता, न्याय कानून देता है, न्याय देश का संविधान देता है, और संविधान इजाजत देता है कि आप अपनी आवाज उठा सकते हैं। और संविधान की उल्लंघना करके, संविधान को खत्म करके, संविधान के रास्ते ना चल के, इमारतों का उद्घाटन करके, नया पत्थरों से संसद भवन बना के, बेटियों को न्याय नहीं मिलता? पत्थरों का उद्घाटन नहीं है, देश की संसद है, न्यू पार्लियामेंट है, संविधान की वजह से ही वो पार्लियामेंट दिया गया है मोदी जी ने। मोदी जी तो क्या खुदा है? मोदी जी खुदा है? हम नहीं कह रहे खुदा है, प्रधानमंत्री हैं, आज है कल नहीं हो सकता, कल कोई और होगा, लेकिन संसद रहने वाली है हमेशा। मैम डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? क्या मतलब है लोकतंत्र? लोकतंत्र में राजा ज्यादा ताकतवर नहीं होता, प्रजा ज्यादा ताकतवर होती है। उनको बनाने वाले हम हैं, वी आर द किंग मेकर्स। अगर हम किसी को ऊपर बिठा सकते हैं तो उतार भी सकते हैं, क्योंकि ये ताकत हमें हमारा संविधान देता है, और संविधान ने हमें बोला है। देखिए जो गलत है वो गलत है। क्या जिस दिन पार्लियामेंट का उद्घाटन होना है उसी दिन ये इसके पन्ने पलटे जाएंगे, फाड़े जाएंगे, इसके पन्नों को इग्नोर किया जाएगा तो न्याय नहीं देगी पत्थर की इमारतें, न्याय देगा तो सिर्फ देश का संविधान। मैंने बताया कि इस देश में ना जज ऊपर है, ना वकील ऊपर है, ना प्रधानमंत्री, ना राष्ट्रपति, ना कोई पुलिस ऑफिसर। इस देश में अगर सबसे ऊपर है तो वो संविधान है। वी हैव टू आपकी बात से मैं सहमत हूँ। एक सवाल मेरा है, ठीक है मैम, एक सवाल है कि जैसे खाप पंचायतें तमाम राज्यों से आने की बात थी, उनके बारे में क्या है? क्योंकि बैरिकेडिंग की हुई है दिल्ली में, घुसने नहीं दिया जा रहा है। सच की आवाज को दबाया जा रहा है। चोर चोरी जब करता है तो हर एक हथकंडा अपनाता है कि उसकी चोरी बाहर ना जाए, तो ये दिन दिहाड़े चोरी ठगी की जा रही है, क्योंकि देश में पूरा देश इन बच्चियों के साथ है, सारा देश पीड़ा महसूस कर रहा है कि अगर आज हमने इन बच्चियों के साथ नहीं बोला तो कल को आपकी बहन होगी, मेरी बहन होगी, आपकी माँ भी हो सकती है, मेरी माँ भी हो सकती है, किसी की भी बहन बेटी, तो बर्दाश्त किया जाएगा? तो वो शायद वो लोगों को शर्म नहीं है कि कल को उनकी बहन बेटी भी हो सकती है, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास पावर है, उनके पास वो कलम की ताकत है, गलती से उसका नजायज फायदा उठा रहे। लेकिन हमें तो पता है ना कि मैं अपनी आने वाली औलाद, अपनी माँ, अपनी बेटी, अपनी बहन के साथ ऐसा होता नहीं दे सकती जो आज मेरी दो बहनों के साथ हो रहा है। एक बड़ा सवाल है, पहलवान जो मांग कर रहे थे कि ब्रजभूषण जो है नार्को टेस्ट करवाया जाए, वो वीडियो जारी करके कहते हैं मैं टेस्ट के लिए रेडी हूं, लेकिन पहलवानों का भी टेस्ट होना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से बैठे हैं या कोई पीछे पार्टी है? अब अक्यूज बताएगा? अक्यूज पीछे पार्टी? पूरा देश उनके पीछे है। पार्टी का क्या मतलब है? पार्टी, जिस पार्टी के अंदर ईमान होगा तो वो इनके साथ होगी। अगर आज भाजपा के लोगों में ईमान है और न्याय पसंद करते हैं, स्मृति ईरानी की भी तो बेटी होगी ना, सिलेंडर से तो बड़ा पागल होकर बैठी थी, तो आए ना यहाँ पे, न्याय की आवाज उठाए ना, बहन बेटी के साथ बैठे ना। मेरा नाम राहुल तंवर, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी का जिला प्रधान। देखिए जहाँ प्रदर्शन कर रहे थे पहलवान, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, क्या लगता है? देखिए तानाशाही है देश में, तानाशाही, और आप देख ही रहे हो जिस व्यक्ति ने संसद का उद्घाटन हुआ है, लेकिन उस व्यक्ति ने कौन है वो व्यक्ति सर? तो आदरणीय है प्रधानमंत्री है वो हमारे, नहीं, नहीं। लगता कि थोड़ी इज्जत देनी चाहिए। प्रधानमंत्री शब्द का सम्मान करते हैं,
पर झूठे व्यक्ति का सम्मान नहीं करते। लेकिन अभी वो प्रधानमंत्री पद पर है ना, तो सम्मान बनता है सर। आप समझे नहीं मैं, मेरा कहने का मतलब क्या मैम। देखिए आपने किसानों की बात की, उन्होंने NS-24 को पूरा तरीके से जाम किया हुआ था, रोका हुआ था। अभी प्रदर्शन या जंतर मंतर पर चल रहा है जिसके बाद रिजल्ट नहीं नजर आ रहा है, तो क्या आपको आप ऐसे कोई रोड जाम करने की प्लानिंग करेंगे? बहुत बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट दिए हैं, बहुत जल्दी बहुत अच्छा रिजल्ट भी किसान देंगे फिर दोबारा से। दिल्ली को जिस तरह से पहले घेरा था, अब भी उसी तरह से घेरेंगे अगर हमारी बहन बेटियों को न्याय नहीं मिला तो। दिल्ली को घेरने की प्लानिंग है आप लोग? कहाँ, दिल्ली में तो बैठा है वो। तो आप देख सकते हैं कि जंतर मंतर के बाहर लोग नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पहलवानों का समर्थन ये लोग कर रहे हैं। बहरहाल जंतर मंतर को पूरी तरह से खाली कर दिया गया है, पहलवानों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उधर न्यू पार्लियामेंट का उद्घाटन का कार्यक्रम जारी है। आपको क्या लगता है, प्लीज अपनी राय जरूर दें, और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए NTV निष्पक्ष। धन्यवाद।